ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड निकल के सामने आ चुका है, कौन कितने नंबर पे है, मुनव्वर कितने नंबर पे है, अभिषेक कितने नंबर पे है, और 12 घंटों से भी ऊपर का टाइम हो चुका है वोटिंग लाइन ओपन हुए, और ओपन होते ही किसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, कौन घर से बेघर हो रहा है, जिसे सबसे कम मिले हैं। चलिए गाइस, आपके लिए पूरी डिटेल लेके आ चुके हैं। टोटल 7 लोग रात नॉमिनेट हुए थे, जैसे कि हमने आपको अपडेट पहले ही दे दी थी। एक कंटेस्टेंट है जिसमें ईशा वो सेफ रह जाती है, जिसको सिर्फ अभिषेक करता है, और अंकिता तो कैप्टन थी, उसको तो इम्यूनिटी मिलनी थी। यहाँ पर गाइस बात करें कि आखिर कौन कितने नंबर पे है, तो चलिए आपको पूरी डिटेल बताते हैं। तो बहुत सारा हंगामा हुआ था, जैसे मनारा को मुनव्वर ने नहीं किया, अभिषेक को नहीं किया, तो इसको लेकर भाई सब तगड़ा हंगामा भी होता है। मनारा भी तगड़ा हंगामा करती है, मनारा रोती भी है, और आयशा भी तगड़ा हंगामा करने वाली है। और आज के एपिसोड में आप देखोगे कि भैया जिस चीज़ का मुनव्वर को डर था वो चीज़ें अब होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मुनव्वर ये चाह रहा था कि मैं आयशा के साथ बड़े अच्छे से रहूं और आयशा है वो अपना मुंह ना खोले, लेकिन अब वो चीज़ें हो चुकी है कि आयशा कहती मैं और बताऊंगी यहाँ पर, और वो बोलती है कि भैया ये किसी और को भी कर चुका है, अब किसका नाम लेगी पता नहीं भाई। लेकिन यहाँ पर गाइस बात करें तो नंबर 7 से 7 पे अरुण महाशेट्टी है, जी हाँ, जिसको सबसे कम वोट मिल रहे हैं। और अरुण महाशेट्टी आपको पता है कि बहुत अच्छा अब कर भी रहे हैं और उनका पसंद भी आ रहा है, और आज के एपिसोड में आप पूरे घर वालों को देखेंगे, उनके फैमिली मेम्बर को, और टोटल 6 फैमिली मेम्बर आएंगे आज के एपिसोड में, कल के एपिसोड में भी आने हैं कुछ। तो यहाँ पर गाइस नंबर 6 पे अरुण महाशेट्टी है, जिसके बच्चे भी घर में आए हैं, और बताया है कि भैया उसकी वाइफ बताती है कि मिसकैरेज हो गया था दिवाली पर, कुछ ऐसी बातें वो बताती है जिसको लेकर अरुण बहुत ज़्यादा सैड हो चुके हैं, लेकिन जनता उसे अभी इतना वोट नहीं कर रही है। और यहाँ पर साफ साफ जाते हुए अरुण महाशेट्टी नज़र आ रहे हैं, और मैंने आपको बताया भी था कि अरुण महाशेट्टी की छुट्टी हो सकती है और आगे जाने के बाद। यहाँ पर गाइस नंबर 6 की बात करें तो समर्थ जुरैल, जी हाँ, समर्थ जुरैल, जो कि कहीं ना कहीं अभिषेक को काफ़ी ज़्यादा पोक करता है, और तगड़े वाली उसकी क्लास भी लगी है, और सलमान खान ने बोला है कि भैया जिस तरह से सीटियाँ बजती हैं ना, उस तरह से सीटियाँ बजी है, हीरो के आने पर सीटियाँ बजती है, उस तरह से अभिषेक के लिए सीटियाँ बजी है, और बोला गया है कि साले को और 2-4 लगाओ, ये अभिषेक के लिए बोला है, और पूरे इंडिया ने ये बात बोली भी थी कि भैया हम होते तो 3-4 लगाते। और यहाँ पर नंबर 6 पे समर्थ जुरैल है, जो कि सीधा सीधा घर से बेघर होने के लिए एलिमिनेट होता भी नज़र आ रहा है। डबल विक्शन होगा तो ये जा सकता है, लेकिन क्या पता भाई शाम होते होते रहे नंबर 7 पे आ जाए, कोई पता नहीं है। नंबर 5 की बात करें तो आयशा खान, जी हाँ, जो कि मुनव्वर के लिए बड़े खुलासे करने जा रही है, और आज के एपिसोड में देखेंगे कि वो बोलना चाह रही है कि तुम्हारे बड़े बड़े राज हैं, मैं सोच रही थी कि चलो जाने दो, लेकिन आज मैं खोलने वाली हूँ, और ऐसे में ये चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी, और वो किसी और लड़की के बारे में भी बताने वाली है, ऐसी चीज़ें आ रही है। अब क्या करती है वो तो मैं आपको अपडेट पूरी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर आयशा खान नंबर 5 पे है, जिसको जनता कुछ ना कुछ पसंद कर रही है और वोट कर रही है, और मेकर्स भी चाहते हैं कि आयशा को अभी ना निकाले। आयशा को मैंने आपको पहले बोला था कि आयशा की छुट्टी नहीं हो सकती, उसको मेकर्स 1-2 हफ्ते और रखेंगे कंटेंट के लिए। नंबर 4 की बात करें तो विकी जैन है, इस बार नॉमिनेशन में फंसे हैं, और जनता उसे ठीक ठाक वोट कर रही है, बीच में चल रहे हैं वो, आप मान के चलिए। विकी जैन है नंबर 4 पे है, और कहीं ना कहीं सेफ नज़र आ रहे हैं। नंबर 3, 2 और 1 की बात करें तो यहाँ पर गाइज कंपटीशन चल रहा है, जी हाँ, मनारा चोपड़ा, जो कि रात भैया सिसक सिसक के रोती है, लगभग 1 घंटा, मैं तो कह रहा था कि जाओ यार मनारा को चुप करवा के आओ, चुप नहीं हो रही थी, है ना, 1 घंटा लगातार हमें बस यही दिखाया गया, रोना धोना दिखाया गया, और जो प्रोमो दिखाया जाता है वो तो दिखाया नहीं जाता, धोखा किया जाता है ना। कल से प्रोमो आ रहे हैं, विक्की की मम्मी, अंकिता की मम्मी आज दिखाई जाएगी, लेकिन कुछ नहीं दिखाया, फैमिली वीक वो आज से शुरू होगा। तो ये चीज़ें मनारा करती है, रोती है बहुत ज़्यादा, विक्की से उसकी लड़ाई हो जाती है गंदे वाली, है ना, तो ये चीज़ें होती है। लेकिन मनारा है वो नंबर 3 पे है, जनता उसे पसंद कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं पसंद कर रही, पसंद कर रही है। टॉप 5 में मनारा चोपड़ा है, जाने वाली है, और आज उसकी बहन भी आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर गाइस नंबर 2 और 1 की बात करें तो यहीं पर गाइस पूरा कंपटीशन चल रहा है, और यहीं पे गाइस विनर देखा जा रहा है, क्योंकि पहले अंकिता चल रही थी, लेकिन अंकिता है वो तो अब लगभग 3-4 नंबर पे चली गई है। नॉमिनेशन की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ विनर की लिस्ट की, तो वो 3-4 नंबर पे चली गई है, लेकिन फिलहाल के लिए जो टक्कर चल रही है अभिषेक और मुनव्वर में, विनर की रेस की भी चल रही है। अब नॉमिनेशन में क्या हुआ है कि यहाँ पर गाइस मैं आपको बताऊँ, जो वोटिंग ट्रेंड निकल के सामने आया है उसमें मुनव्वर है वो नंबर 1 पे है,
अभिषेक है नंबर टू पे है, जिया अभिषेक नंबर टू पे है, मुनव्वर नंबर वन पे है, और मुनव्वर को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं इन 12 घंटों में। लेकिन गाइज एक बात नोट रखिएगा, पिछली बार भी मुनव्वर को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है अभिषेक ऊपर आ जाता है। पहले अभिषेक बराबरी करता है, फिर अभिषेक ऊपर आ जाता है, और फिर मुनव्वर नीचे ही रह जाता है। उसके बाद वो कहीं ना कहीं ऊपर नहीं आ पाता। क्या अभी भी वही खेल होगा? क्योंकि रात हुई थी तो इसलिए मुनव्वर के फैंस ने जमकर वोट किया है, अभिषेक के फैंस उतना नहीं कर पाए होंगे, सो गए होंगे, कुछ ऐसे सीन हुआ होगा। अब उठेंगे तो वोटिंग होगी, लेकिन शाम के वोटिंग ट्रेंड में आपको बताऊंगा लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड क्या रहता है। क्या अभिषेक नंबर वन पे आ जाते हैं या फिर मुनव्वर ही नंबर वन पे रहेंगे, हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। तो इस बार अगर मैं आपको बताऊं घर से बेघर होता है कौन दिखाई दे रहा है, अरुण माशेट्टी, समर्थ, आयशा, इन तीनों में से कोई जाएगा, लेकिन ज्यादा चांसेस है वो अरुण के लग रहे हैं। समर्थ को भी नहीं भेजा जाएगा क्योंकि समर्थ का आपको पता है अभिषेक के साथ पंगा हो रहा है और मेकर्स को कंटेंट चाहिए। आयशा का भी पता है मुनव्वर के साथ हो रहा है तो मेकर्स को कंटेंट चाहिए। अरुण माशेट्टी को निकाला जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बताइए कौन घर से बेघर होगा, और क्या आप अभिषेक को नंबर वन पे लाओगे या फिर मुनव्वर को ही नंबर वन पे रखने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में लिख डालिए।